हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब वीडियो को देख के समझ गए होंगे, ये हमारी किया की EV6 बहुत ही शानदार, बहुत ही लेटेस्ट गाड़ी है दोस्तों। अभी तक आपने ज़्यादा यूट्यूब चैनल में देखी नहीं होगी। आइए हम इसका रिव्यू को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारी गाड़ी, इसका फ्रंट लुक देख रहे हैं और बात कर लेते हैं। ये आता है गाड़ी का वाइट कलर, जो बहुत ही शानदार लुक दे रहा है। और इसकी ब्लैक रूफ, ये रूफ का सनरूफ है इसकी, जो आगे से लग रही है हमें ब्लैक कलर की, पीछे की तरफ से वाइट है गाड़ी। और दोस्तों बहुत ही शानदार इसकी गाड़ी की लुकिंग आ रही है। एक बार आप गाड़ी की यहाँ साइड लुक चेक कर लीजिए, कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी हमारी साइड से भी। बात कर लेते हैं अपनी गाड़ी का प्राइस का, तो 66 लाख की गाड़ी आती है एक शोरूम। और ये हमारी ईवी कार है बैटरी की, और जो हमारी 0 से 100 पे पहुंच जाती है, ये 7.2 सेकंड में पहुंच जाती है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा अपना ये स्पीड है जो मेंटेन कर लेती है। और दोस्तों इसकी जो रेंज भी है वो जो आती है वो आती है 708 किलोमीटर की इसकी रेंज आती है। और बहुत ही अच्छी एक ये रेंज प्रोवाइड करवाती है इस सेगमेंट की कार में, क्योंकि BMW वगैरह ऐसी EV कार से इसका कॉम्पिटिशन है, जो बहुत अच्छी तरीके से बीट कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं फ्रंट में, यहाँ इसकी डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देख लीजिए, यहाँ पे हमें DRL और टर्न इंडिकेटर आ जाएगा, बीच में हमारी ग्रिल किया का लोगो, और यहाँ पे हमारा कैमरे की प्लेसमेंट 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, और गाड़ी में नीचे मैसिव ग्रिल आएगी दोस्तों, देख लीजिए आप। और काफ़ी अच्छी है हमारी गाड़ी की लुकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर साइड में AC अपने वेंट्स दे रखे हैं, जिससे हमारी गाड़ी का टायर ठंडे रहें हाई स्पीड्स के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी साइड लुकिंग की, एक बार आप हमारी गाड़ी को साइड से देखिए, कितनी प्यारी ये लुक कर रही है। और इसके अलॉय व्हील भी काफ़ी अच्छे मैच कर रहे हैं इस गाड़ी के हिसाब से, और ये पूरी ही गाड़ी हमारी इंपोर्ट होती है बाहर से। और दोस्तों इसमें आप यहाँ पर आ जाइए, इसका व्हील देखिए कितना बड़ा है, 19 इंच के इसमें अलॉय व्हील आ जाते हैं, ये देख लीजिए टायर साइज लिखा हुआ है। बारहिंग कंपनी है कुमो, जिसमें टायर आते हैं, क्योंकि हमारी पूरी गाड़ी इंपोर्ट होती है, तो इंडियन या ब्रिस्टन वगैरह का टायर नहीं है, पूरी गाड़ी के हिसाब से जो वहाँ टायर बन रहे हैं वही टायर आते हैं। इस साइड देख लीजिए आप हमारी टायर की नंबरिंग, पीछे और फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे जो डोर खोलने का है, ये देख लीजिए इसे इस तरीके से खुलता है, जैसे हमारा डोर खुल गया, और यहाँ से हमारा बंद हो जाएगा जब गाड़ी लॉक हो गया, हाई स्पीड में होगी तो ये सब अंदर चले जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। साइड में हमारी ब्लैक कलर की क्लैडिंग आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आप बात करें रूफ़ पे, तो वाइट कलर आ जाता है, देखो यहाँ पे हमारी सनरूफ आ जाएगी, या मून रूफ बोल सकते हैं। और ये हमारे बीच में शार्कफिन एंटीना। और दोस्तों स्पॉइलर देख लीजिए, इसकी फिनिश देखिए स्पॉइलर की, कितनी शानदार हमारी फिनिश आ जाएगी, तो काफ़ी अच्छी है लुकिंग प्रोवाइड करता है हमारा स्पॉइलर। और गाड़ी की काफ़ी स्पोर्टी लुक है, जैसे आपने देखा होगा लैम्बोर्गिनी की उरुस जो आती है, उसकी लुकिंग दे रही है गाड़ी। और दोस्तों बात करते हैं इसकी पीछे की लाइट की, तो फुल्ली कनेक्टेड लाइट आती है दोस्तों, काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड कर रही है ये। ये देख लीजिए यहाँ से हमारी लाइट चलेगी, फुल कनेक्टेड LED हमारी बैक लाइट है। यहाँ पे हमारी किया की बैजिंग, EV6 की बैजिंग इधर आ जाएगी, GT लाइन की बैजिंग। और दोस्तों ये हमारा क्रोम, डार्क ब्लैक क्रोम आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्टर्स आ जाएंगे, पीछे के बैक सेंसर्स ये देख लीजिए। और दोस्तों कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखी है पीछे वाले की, और अगर हमें जैसे अपना बूट खोलना हो, वन टच में अपने आप हमारा बूट खुल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमें बंद करने का भी दे रखा है बूट को, और ये वन टच में हमारा बूट पूरा डाउन हो जाएगा, 520 लीटर का इसका बूट स्पेस आएगा। जैसे अगर हमें अपने पीछे कुछ भी सामान रखना है, जैसे अपना खोलेंगे यहाँ पे ये लग जाएगा, और यहाँ पे हम अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा सामान रखने की स्पेस दे रखी है, इसके अंदर हमारी ये पंप वगैरह आ जाएगा इस तरफ, इधर हमारे चार्जिंग वगैरह की सारी चीज़ें आ जाएंगी, इधर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और दोस्तों इसको ऐसे बंद कर देंगे, इधर से हमारा सारी चीज़ें LED वगैरह सब चीज़ें रखी हैं इस साइड ही, आप देख रहे होंगे। और जैसे हमें अपना बूट बंद करना है, तो अपना एक टच में ही हमारा बूट बंद हो जाएगा। और दोस्तों पीछे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टॉप लाइट दे रखी है इस साइड, और रियर डिफोकर वगैरह सब चीज़ आ जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है,
तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा गाड़ी खोजो के नाम से चैनल है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। इस साइड दोस्तों जैसे हमारे ORVMS पे टर्न इंडिकेटर आ जाएंगे और हमारा 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट भी आ जाएगी, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दोस्तों आइए अब अंदर चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ गाड़ी हमारी क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। तो अंदर की चीज़ें आपको दिखाएंगे सारी की सारी हम। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी EV6 के अंदर। एक बार आप गाड़ी का इंटीरियर चेक कर लो दोस्तों, ऐसा लग रहा है हम किसी फ्यूचर कार के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही शानदार इंटीरियर, मज़ा आ गया इसके अंदर बैठ के दोस्तों। लग ही नहीं रहा कि गाड़ी ऐसा लग रहा है किसी BMW वगैरह के अंदर आ चुका हूँ मैं इस टाइम। यहाँ पे आप एक बार हमारा टेक्सचर चेक कीजिए डैशबोर्ड के अंदर, कितना प्यारा लुक दे रहा है आपको रियली अंदर। आपको एक बार शोरूम पे आके गाड़ी ट्राई जरूर करनी चाहिए, बजट हो चाहे ना हो, मन हो EV गाड़ी लेने का, तो आके जरूर देखना दोस्तों, मज़ा आएगा आपको। और यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, हमारी यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है पूरी। इधर म्यूजिक सिस्टम चलेगा हमारा अपना नॉर्मल, इधर हमारे चलेगा अपना MID, फुल्ली डिजिटल आता है, पूरा एक ही पैनल है जैसे मर्सिडीज में आता है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों किया का लोगो, यहाँ पे हमारे मोड्स आ जाएंगे सारे, इधर एडास वगैरह सारे फीचर्स हैं उसके, हमारे अडेप्टिव क्रूज लाइन वगैरह सब चीज़ यहाँ से चलेंगी, ड्राइव मोड्स यहाँ से हमारे चेंज हो जाएंगे, इधर हमारे म्यूजिक सिस्टम के और वॉइस कमांड वगैरह सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे इस तरफ। और दोस्तों यहाँ पे हमारी पैडल शिफ्टर्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, जिसे कहते हैं ना मज़ा आ जाए, पैडल शिफ्टर इतने प्यारे। और यहाँ पर दोस्तों हमारी लाइट की लुक दे रखी है जलाने की और बंद करने की, और इस साइड से हमारे वाइपर के कंट्रोल्स हैं इस साइड। और दोस्तों इससे यहाँ पे हम अपनी इसे एडजस्ट कर सकते हैं टिल्ट और टेलीस्कोपिक। इस साइड हमें हम अपना बूट वगैरह और चार्ज वगैरह कर सकते हैं, पार्किंग इलेक्ट्रिक सब चीज़ आती हैं, हैंड ब्रेक वगैरह। इस साइड हमारी साइड विंडो कंट्रोल्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, अपने साइड ORVM को कंट्रोल करने के बटन्स। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर हमारा आ जाएगा AC वेंट्स का क्लाइमेट कंट्रोल, AC वेंट देख लीजिए कितने स्लीक और कितने प्यारे लग रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारा देख लीजिए एक बार ग्लो बॉक्स, कितना लंबा हमारा ग्लो बॉक्स है, तो काफ़ी हम इसमें दोस्तों बहुत सारा सामान रख सकते हैं, बल्कि बैग आ जाएगा इसके अंदर, एक छोटा सा मिनी जो ट्रैवलिंग बैग होता है वो आ जाएगा इसमें। दोस्तों यहाँ पर हम अपनी सनरूफ खोल सकते हैं, देख लीजिए इस साइड से, यहाँ पे इसे कंट्रोल्स दे रखे हैं। गाड़ी की थोड़ी सी बैटरी डाउन है तो इस वजह से हम इसे ज़्यादा चला नहीं पा रहे, और देखो ये सिर्फ टच में है दोस्तों, ये हमने टच करा लाइट जल गई, ये टच करा लाइट जल गई, ये टच करा बंद हो गई। और यहाँ पे हमारा SOS का बटन आ जाएगा इस साइड देख लीजिए, यहाँ पे हमारे ऑटो डिमिंग IRVM आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ आते हैं बीच में अपने कंसोल की बात कर लेते हैं, जो कि इसके एक बहुत अच्छा फीचर है और जिससे हमें लगता है कि हमारी एक एडवांस कार है। यहाँ पे देखो हमारे गाड़ी को स्टार्ट करने के कंट्रोल्स आ जाएंगे, अपनी वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह के कंट्रोल्स दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पार्किंग ड्राइव रिवर्स सारे मोड वो इससे हमारे चलेंगे कुछ इस टाइप से। ऑटो होल्ड पे हमारा ब्रेक वगैरह, जिससे हम अपना वीडियो वगैरह मतलब जो हमारे कैमरे हैं उसका एक्सेस ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा फ्रंट पार्किंग सेंसर, और दोस्तों ये हमारा वायरलेस चार्जिंग देख लीजिए, यहाँ पे हमारे दो कप होल्डर आ जाएंगे। और दोस्तों ये हमारा आर्मरेस्ट, इस पर भी दोस्तों टेक्सचर बना हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए कितना शानदार लग रहा है। और इसके अंदर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेस है, देखो काफ़ी स्पेशियस इसका आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस दे रखी है। और दोस्तों अभी यहाँ पर फीचर्स इस गाड़ी ख़त्म नहीं हुए हैं, देखो नीचे यहाँ पर हमारा आ जाएगा सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, इधर भी एक सी टाइप, इधर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए नीचे स्पेस, कितनी ज़्यादा स्पेस है गाड़ी में दोस्तों, सामान रखने की हद से ज़्यादा स्पेस है, आपको कमी पेशी कहीं भी महसूस नहीं होगी। और ये हमारे फैब्रिक में आते हैं सीट कवर, बहुत ही अच्छी लेदर अपॉलिस्ट्री इसका पीछे का, वो देखिए एडजस्ट करने कितना शानदार है और कितनी अच्छी हमारी लुकिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए। 6 एयरबैग्स वगैरह सारी चीज़, एयरबैग्स तो दोस्तों कमी है ही नहीं इसमें। और एक फीचर हम भूल गए थे, मेमोरी सीट का इसमें फंक्शन आ जाएगा मेरिडियन का दोस्तों, इसमें साउंड का सिस्टम आ जाएगा, देखो वहाँ पे बैजिंग भी दे रखी है यहाँ पे, तो स्पीकर वगैरह देखो प्लेसमेंट कितना अच्छा, सिल्वर फिनिश दे रखी है, आपको मज़ा आ जाएगा इसके अंदर। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे अपने वैनिटी मिरर को, ये हमारा वैनिटी मिरर, और ये ऊपर हमारी रूफ पूरी ब्लैक है, और ये भी हमारा वैनिटी मिरर आ जाता है इस साइड भी, और ऊपर लाइट आ जाती है कुछ इस तरीके से, हमारी ऑन होगी लाइट मैन्युअली। तो
तो दोस्तों यहाँ पे आगे हमारा हेडअप डिस्प्ले आ जाएगी, बीच में सबवूफर आ जाएगा, तो आप देख लीजिए कितना सारा इसमें वो दे रखा है फीचर्स। तो दोस्तों आइए पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं उसमें पीछे के अपने सारे फीचर्स। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गाड़ी के अंदर, एक बार आप हमारा इंटीरियर चेक कर लीजिए कितनी स्पेशियस हमारी कार है। यहाँ पे हमारे मैगजीन होल्डर आ जाएंगे इस साइड, और दोस्तों यहाँ पे हमारे दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ऊपर आ जाएगा रीडिंग लैंप, ब्लैक हमारा इंटीरियर आ जाता है इसमें, और साइड में पिलर्स पर आ जाता है हमारा एसी वेंट। बात कर लेते हैं इसकी आर्मरेस्ट की, तो यहाँ हमारे दो कप होल्डर आ जाएंगे, और अगर हमें दोस्तों अपना बूट एक्सेस करना है तो यहाँ स्पेस दे रखी है बूट को एक्सेस करने की। पीछे की तरफ दोस्तों देखेंगे तो हमारे तीन आ जाएंगे हेडरेस्ट, तो काफ़ी अच्छी पीछे की इंटीरियर की लुकिंग है दोस्तों। स्पेस देख लीजिए कितना स्पेशियस हमारी कार लग रही है, और पीछे से एक बार आप हमारा इंटीरियर भी आ गया, और डैशबोर्ड चेक कर लीजिए कितना हमारा सुंदर लग रहा है। तो ये दोस्तों बाहर चलते हैं, वहीं पर अपनी बातें करेंगे, आपको डायमेंशंस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों फाइनली अपनी बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशंस की, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी दोस्तों फॉलो कराइए। और बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो 4695 mm इसकी लेंथ आ जाती है, और बात करें इसकी विड्थ की वो 1890 mm इसकी विड्थ आएगी, और जो हमारे इस गाड़ी का व्हील भी इस कंपनी प्रोवाइड करती है वो करती है 3095 mm का। तो ये कुछ इसकी डायमेंशंस थी, और इसके टॉर्क और पावर आपको बताता हूँ। काफ़ी अच्छी पावर ये गाड़ी प्रोवाइड करती है, जो इसमें हमारा आता है मैक्सिमम पावर वो 320 bhp की आती है, जो बहुत ही पावरफुल एक गाड़ी ये प्रेजेंट करती है। जो मैक्सिमम टॉर्क करती है वो 605 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क आता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इस गाड़ी की डिटेल्स। लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है उसको भी आप फॉलो कीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।